वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है। आज मैं आपको बताऊंगी कि जो सोल्डरिंग आयरन हम यूज़ करते हैं फैब्रिक के ऊपर, वो हमने कैसे यूज़ करनी है। और देखिए, मैंने अभी ओपन नहीं किया इसको, मैंने परचेज़ किया था ये अराउंड 160 के, तो बड़े नॉमिनल प्राइस पे आपको किसी भी इलेक्ट्रिक शॉप से मिल जाएगी। तो अलग अलग वोल्टेज में ये अवेलेबल है, आपको फैब्रिक के ऊपर 30-35 वोल्टेज वाली रोड इस्तेमाल करनी है। अब देखिए, आगे से बिल्कुल पॉइंटेड है, तो आपने बिल्कुल पॉइंटेड वाला ही एरिया यूज़ करना है उस पर फैब्रिक के ऊपर। तो देखिए, मैंने कुछ सिल्क फैब्रिक लिए हैं जिसके ऊपर मैं आपको डेमो दिखाऊँगी। इस रोड की हेल्प से हमने पैचेस कैसे सेपरेट करने हैं फैब्रिक के ऊपर से, ये मैं आपको बताऊंगी। ये देखो, मेरे पास टिशू वाली लेस है और एक मैंने रेडी किया है लीफ, इसको सेपरेट किया है लेस से रोड की हेल्प से। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि हम इसके ऊपर रोड यूज़ करके कैसे इसको दूसरे फ्लावर से सेपरेट कर सकते हैं और इसका सेपरेट एक पैच टाइप हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। देखिए, ये टिशू वाले फैब्रिक के ऊपर बहुत ही आराम से वर्क करती है। तो ये रोड जो है अराउंड 1-2 मिनट के बीच में ये फुल हीट अप हो जाती है। तो आपने इसको बहुत ही केयरफुली यूज़ करना है। और जो बेस है, हमने इसको वुडन बोर्ड के ऊपर ही इस्तेमाल करना है, अदरवाइज़ आप किसी भी चीज़ के ऊपर इसको यूज़ करेंगे तो ये वो चीज़ प्लास्टिक होगी तो जल भी सकती है। और आपने अपने हाथ और बिल्कुल बचा के इसको यूज़ करना है। और ये देखिए, ये मैं सेकंड फैब्रिक के ऊपर आपको यूज़ करके दिखा रही हूँ। डिज़ाइनिंग पर्पस के लिए बहुत ही यूज़फुल चीज़ है, मुझे बहुत ही यूज़फुल लगी है। हम इससे पैचेस सेपरेट करके फैब्रिक से बहुत ही इसको अलग अलग तरीके से पैचेस को यूज़ कर सकते हैं डिज़ाइनिंग पर्पस के लिए। देखिए, ये भी मैंने पैच निकाल लिया है कपड़े से, और जो एक्स्ट्रा थ्रेड हैं वो भी मैंने रोड की हेल्प से जला के सेट कर लिए हैं। और थर्ड फैब्रिक मैंने लिया है। देखिए, ये फैब्रिक थोड़ा सा ना सॉलिड था, तो इसके ऊपर मैंने कुछ इस तरह से फैब्रिक को पकड़ के फिर इसको इस पैच को निकाला था, तो ये थोड़ा सा इसमें एफर्ट लगा था ज़्यादा। बाकी टिशू पे और नेट पे ये बहुत ही इजीली वर्क करेगी रोड, और कॉटन फैब्रिक के ऊपर नहीं करेगी ये वर्क। और बहुत ही आराम से और केयरफुली आपको यूज़ करनी है ये रोड। और एक और इम्पॉर्टेंट टिप जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपने जब भी इसको यूज़ करना है तो आप फ़ैन ऑफ करके फिर इसको यूज़ करें, अदरवाइज़ ये इतना वर्क नहीं करेगी। आप चाहे तो इस रोड को ऑनलाइन परचेज़ भी कर सकते हैं, और आप मार्केट से किसी भी इलेक्ट्रिक शॉप से भी ये इसको परचेज़ कर सकते हैं, ये अलग अलग प्राइसेस पे अवेलेबल है। अब देखिए, इस पैच को मैं कटर की हेल्प से थोड़ा फिनिशिंग दे दूँगी, क्योंकि इसके थ्रेड जो हैं काफ़ी निकल गए थे बाहर की तरफ। तो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगी, काफ़ी यूज़फुल लगेगी आपको। जितने भी एम्ब्रॉयडरी पे कटवर्क किया जाता है वो सोल्डरिंग आयरन से ही यूज़ किया जाता है। देखिए, ये पैच कितना प्यारा लग रहा है निकला हुआ। तो आप फैब्रिक से ऐसे काफ़ी सारे पैच निकाल के आप किसी पे भी ड्रेस पे डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। और देखिए,
बाद में जब आपने इसको यूज़ कर लेना है तो इसका प्लग सॉकेट से निकाल के आपने फिर इसको हार्ड पेपर के ऊपर ऐसे रख के इसको क्लीन कर लेना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।